हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर आर्यन और इमली का रिश्ता आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अपर्णा को आर्यन की मोम घर लेकर चली जाती है फंदी से और ताई जी को भी, और वहां पर मिलाती है अर्पिता से। वो काफी खुश हो जाते हैं और वहां पर अपर्णा बता देती है शादी के बारे में कि मेरे बेटे ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया है। लेकिन मैं कहती कि आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें फैमिली का हिस्सा ही समझे। और उसके बाद में वो उन्हें शादी में भी इनवाइट कर लेती है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अनु जबरदस्ती इमली को नौकरानी नौकरानी कह के पुकारती है, लेकिन इमली सुनती नहीं। उसके बाद में वो इमली कह के पुकारती है और कहती है कि मेरा जबरदस्ती इंटरव्यू लो। और उसके बाद में वो इंटरव्यू ले रही होती है तो वो उसे कहती है कि मेरी बेटी की जिंदगी में गंवार आ गई थी ये वो, तो वो इमली की बेइज्जती कर रही होती है। लेकिन अब इमली यहाँ पर उसके बाल बाल खराब करके उसे की बेइज्जती वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। इतनी देर में आर्यन आ जाता है और उसको वहाँ से भगा देता है और इमली को कहता है कि ये काम कर रही हो तुम। तो इमली कहती है कि देख लो ये तो बिल्कुल भी अच्छा वीडियो नहीं है ना, देख लो आप ही खुद देख लो, इंटरव्यू बिल्कुल भी लायक नहीं है। और आर्यन वो वीडियो देखकर स्माइल करते नजर आता है। इमली शॉक्ड हो जाती है कि हे भगवान ये स्माइल भी करते हैं, और वो उसका फोटो भी और वीडियो भी बना लेती है। जिसके बाद यहाँ पर आर्यन उसे डांटते हुए नजर आता है, लेकिन फिर वहाँ से स्माइल करके चला जाता है। तो वहीं पर अपर्णा पहुँचती है और ताई जी आदित्य को वहाँ पर देती है प्रसाद, तो वो बिल्कुल मना कर देता है। और वहाँ पर अपर्णा बहुत बुरी तरह से डर जाती है और कहती है, यहाँ पर अनु और मालिनी दोनों ही तैयार होकर आ जाती हैं कि शाम के लिए हमने गेस्ट बुला लिए हैं। तो अपना कहती है कि गेस्ट बुला लिए तो हम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, और सारा परिवार उसको बॉयकॉट कर देता है। तो वहीं देखने को मिलता है कि इमली आती है और आदित्य की खुशी के लिए ही ये सब कुछ वो इस शादी में शामिल होने के लिए कहती है, और कहती है कि अगर आप लोग साथ नहीं रहे तो वो अकेले पड़ जाएंगे और कभी भी अपना सही फैसला नहीं ले पाएंगे। और रूपाली भी यही समझाते नजर आती है कि इससे तो हम आदि भाई को हमेशा के लिए खो देंगे। उससे सभी लोग तैयार होकर आते हैं और शुरू होती है जगराते की रस्म, जहां पर मालिनी को और आदित्य को देखकर इमली थोड़ा सा कमजोर पड़ती है, लेकिन फिर आर्यन उसे हिम्मत देता है और वो फोटो शूट करने के लिए यहां पर आने वाली होती है। देखने को मिलता है कि पंडित जी आदित्य को और मालिनी को पूजा के लिए आरती करने के लिए थाली देते हैं, लेकिन इतनी ही देर में थाली उसके हाथ से फिसलती है और आर्यन और इमली दोनों ही साथ में संभालते हैं। शुरुआत ही आर्यन और इमली से ही होती है और आर्यन कहता है कि अगर थाली संभाल ली है तो फिर हम पूजा भी साथ में ही कर लेते हैं। और आदित्य यहाँ पर चिढ़ जाता है और कहता है कि हाँ हाँ सबको संभाल लिया है तो फिर आप दोनों पूजा भी कर लीजिए, और वो चिढ़ा देता है। जिससे कि इमली और कहता है कि हाँ आप दोनों का रिश्ता तो इस तरह से, और काफ़ी चिढ़ाने की वजह से इमली कहती है ठीक है सर हम पूजा करते हैं, और वो दोनों साथ में पूजा करने वाले हैं। तो साथ में देखने में मिलेगा आदित्य और चिढ़ाते नजर आएगा और रोमांटिक पोज देगा, जिससे कि इमली चिढ़ेगी नहीं और कहेगी तो फिर आप दोनों साथ में पोज दीजिए, और उसको और भी ज़्यादा क्लोज ले आएगी। तो इमली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है आर्यन की वजह से, और आर्यन और इमली का रिश्ता भी आगे बढ़ रहा है।